इस हफ्ते घर में हुई हैं बड़ी लड़ाइयां, लेकिन इन लड़ाइयों में कुछ एक ऐसी चीज नोटिस की गई है। अभिनव को तो बोलते हुए नोटिस किया ही गया है, फिर हम लोगों ने भी देखा है, फिर ऐसा लग रहा है जैसे ये बात सच में सच हो चुकी हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है, क्या चीज नोटिस की गई है, बताते हैं हम आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। भाई देखिए, जो भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं मेन लीड की तरह रुबीना तो नजर आती ही है, दूसरी साइड कोई और भी नजर आ जाता है, लेकिन राहुल वैद्य जो नजर आते हैं वो साइड किक की तौर पर ही नजर आते हैं। अब चाहे आप एजाज और रुबीना की लड़ाई देख लीजिए, जिसमें बार बार आके राहुल वैद्य कमेंट्री दे रहे थे या फिर कुछ बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे साइड किक हो। वहीं सोनाली और रुबीना की लड़ाई में भी राहुल वैद्य ऐसा लग रहा था सोनाली के साइड किक बनकर लड़ रहे हो, जहां पर उनकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो लड़ाई थी सोनाली और रुबीना की, और अगर साथ देना ही था तो गलत का साथ देना था क्योंकि जस्ट बिकॉज वो रुबीना के अगेंस्ट खड़ी थी, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं राहुल वैद्य गलत नजर आ रहे थे। ऐसे में क्या मेन लीड से राहुल वैद्य बन चुके हैं साइड किक, क्योंकि यहाँ पर जो है रुबीना से लड़ने के लिए राहुल वैद्य किसी का भी साथ देने को तैयार है। इनफैक्ट उनकी एजाज खान से भी अब बनने लगी है, जिसके साथ राहुल वैद्य की हमेशा ठनी रहती थी। क्या राहुल वैद्य का अब सिर्फ एक ही टारगेट है कि रुबीना दिलैक को जो भी करे टारगेट उसके साथ वो खड़े हो जाए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे रुबीना दिलैक एक तरफ हो गई हों और बाकी जो ये चैलेंजर्स और बाकी घर वालों का जुट बन गया हो, गुट बन गया हो, वो सिर्फ रुबीना दिलैक को टारगेट करने का काम कर रहा हो। इनफैक्ट अगर कोई रुबीना दिलैक का साथ भी दे दे, जैसे अर्शी एक मौके पर दे रही है, तो अर्शी को भी सुननी पड़ती है फिर सभी से बातें। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या राहुल वैद्य रुबीना को टारगेट करने के चक्कर में इतना ज़्यादा भूल गए हैं अपने गेम को कि वो एक साइड किक बन गए हैं अब मेन हीरो से? आइए करते हैं इसी पर चर्चा कॉमेंट सेक्शन में। क्या आपको भी लगता है राहुल वैद्य मेन लीड से बन चुके हैं साइड किक, तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आपके क्या राय है इस पर, और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं जो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।